आज सुबह से लगातार जब से खबरें आई कि राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इस हमले से अब तक कई लोगों की मौत की खबरें आई हैं, कई आम नागरिक भी मारे गए हैं। तो ये लगातार जो खबरें आ रही हैं, इन सब के बीच एक जो सवाल ये है कि आज कई छात्र जो मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन में करते हैं वो वहां पे फंसे हुए हैं, तो आखिर कैसे उनको निकाला जाए? सरकार उनके लिए क्या कर रही है और क्या व्यवस्था है, और यूक्रेन के हालात कैसे हैं वो छात्र बेहतर बता सकते हैं। इसलिए आज हमारे साथ कुछ छात्र जुड़े हैं जिनसे हम पूछेंगे कि आखिर यूक्रेन में, जब हम यहाँ हैदराबाद में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ के, बिहार से यूक्रेन को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, तो आज यूक्रेन के क्या हालात हैं और आखिर यूक्रेन में चल क्या रहा है, वहां पे ग्राउंड आखिर हालात कैसे हैं? तो सबसे पहले हम राघवेंद्र से जानेंगे, राघवेंद्र बिहार के। सबसे पहले उनसे पूछेंगे कि राघवेंद्र बिहार में कहाँ से हैं और वो अभी किस शहर में हैं और वहां के हालात क्या हैं। जी राघवेंद्र, बताइए। हाँ सर, मैं बिहार में सिवान जिले से दरौली प्रखंड से बिसुनिया गांव से हूँ। और सर अभी मैं इवानो फ्रांकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फोर्थ ईयर का MBBS फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ। और सर जैसे यहाँ के सभी को मालूम है कि रसिया और यूक्रेन का कई दिनों से ये विवाद चलते हुए आ रहा था। सर आज मॉर्निंग में अप्रोक्स 2 बजे के अप्रोक्स यहाँ पे फाइटर जेट प्लेन मेरे शहर इवानो फ्रांकिस में घूम रहे थे, और 5 बजे अचानक यहाँ के एयरपोर्ट से करीब एयरपोर्ट के करीब ही बम धमाके होते हैं, मिसाइल दागे जाते हैं। उसके बाद पूरी आवाज हम लोग को सुनाई देती है और पूरी धुएं धुएं हो जाते हैं शहर में, और हम लोग उसी को लेके डरे हुए हैं ताकि हम लोग कैसे यहाँ से, भारत सरकार हमको एयरलिफ्ट करा ले, सारे एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं यहाँ के। तो हमें राघवेंद्र, प्रधानमंत्री, आपके आपके तमाम सवालों का जवाब हमारे पास है, हम आपको बताएंगे, यस लेकिन सर। उनसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप जहाँ पे बैठे हैं वहां पे कोई खिड़की है, दरवाजा है जो आप बाहर थोड़ा सा दिखा सके, क्योंकि तो जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो टीवी, दूसरे मीडिया चैनल्स के माध्यम से ही हम देख पा रहे हैं। आप अगर दिखा सके एक छोटा सा यस वीडियो सर। क्लिपिंग हमारे दर्शकों को। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये यूक्रेन की तस्वीरें हैं। राघवेंद्र का कहना है कि यहां से वो सुबह का वो नजारा देखा था जब यहाँ पे फाइटर प्लेन उनके पास से निकल रही थी, और वो तस्वीरें शायद भयावह हाँ सर थी। लेकिन राघवेंद्र, आप ये बताइए, जो तमाम तरह के जी सवाल आपके घर से भी पूछे जा रहे होंगे, हम लोग भी जानना चाहते हैं, जी जी आप लोग कैसे हैं? जी सर, अभी तो हम लोग हॉस्टल में हैं और डरे हुए हैं, बट अभी यहाँ पे हम लोग सही हैं, लेकिन कब क्या हो जाए कुछ नहीं जाना जा सकता। पहले तो यही कहा जा सकता था कि हम जिस सिटी में रह रहे हैं, ये सिटी वेस्ट यूक्रेन की पार्ट है और ये पोलैंड और जर्मनी से पास में है, यहाँ से 200 किलोमीटर पोलैंड है, तो हम लोग कहें कि सेफ जोन में है। लेकिन जो सुबह में मिसाइलें दागी गई तो ये नहीं लग रहा था कि हम लोग सेफ अब हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मिसाइलें दागी गई, फर्स्ट मिसाइलें कीव में, उसके बाद इवानो में दागा गया। सुनने में आ रहा है कि पुतिन जी का कहना है कि ये जो इवानो सिटी है ये पोलैंड से लगा हुआ बॉर्डर है, और जो भी यूरोप से सप्लाई होती हैं ये यहाँ के लिए बंदूकें, जो भी मतलब ये यहीं पे होती हैं, तो इसलिए उनकी टारगेट इवानो फ्रांकिस सिटी भी अब बन गई हुई है। और अभी ये भी नोटिस है कि हो सकता है कि अभी 3 बजे भी यहाँ पे कहीं पे वो क्या कहा जाता है, अटैक हो सकती है, यहाँ व्हाइट हाउस से वहां भी हो सकती है। सर हाँ, अभी कितने बज रहे हैं राघवेंद्र यहाँ पे 3:10 हो रहा है। जी? मैं जानना चाहता हूँ राघवेंद्र, अभी आप लोग वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा कि आपने जी बताया जी कि आप चौथे फोर्थ ईयर में हैं वहां पे, जी अभी जी पढ़ाई की क्या स्थिति है? क्या ऑफलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही यस सर, है? अभी तक यस सर अभी तक कल तक हमारी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन मोड में चली। पहली तो हमारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन में जाने रही थी, अगर ऑनलाइन चली गई होती तो हम अभी तक इंडिया आराम से जो नॉर्मल प्लेनें चल रही थी वैसे हम लोग सारे स्टूडेंट मैक्सिमम चले गए होते। पहली तो गलती हमारी इंडियन एम्बेसी की है। इंडियन एम्बेसी ने, जब सारे कंट्रियों ने एडवाइजरी जारी कर दिया था
कि आप यूक्रेन को छोड़ दे यूएसए ब्रिटेन जैसे कंट्री ने, बट हमारी इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी नहीं की पहले। उसने फॉर्म फिलअप कराया कि कितने स्टूडेंट कहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने को पता चल गया कि 20,000 स्टूडेंट यूक्रेन में हैं प्लस और बिजनेस करने के पर्पज से जो लोग हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने एडवाइजरी जारी नहीं की। एडवाइजरी जारी कब करते हैं, जब 14 फरवरी को यहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की जी का आता है बयान कि हमारे पे 16 को अटैक हो जाएगा, तो 15 को ये एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप अगर चाहते हो तो यूक्रेन टेम्पररी। हमारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड में नहीं जा रही है, और पहली बात, यहाँ अगर आप MBBS करते हैं तो हर यूनिवर्सिटी का एक रूल है कि आपको 100% अटेंडेंस चाहिए, नहीं अटेंडेंस देंगे तो आप फाइनल एग्जाम में नहीं बैठेंगे। तो हमारी यूनिवर्सिटी कल ऑफलाइन बंद की और आज से ऑनलाइन की क्लासेस स्टार्ट की, जबकि फिर आज ऑनलाइन की क्लास हमारी हुई, लेकिन सुबह में ये फाइटर प्लेन ने यहाँ पे मिसाइलें भी दाग दी, इससे हम लोग बहुत सहमत बहुत डरे डरे से हैं सर। हमको यही है कि एयरलिफ्ट करा लिया जाए जल्द से जल्द जैसे भी हो। एक बार फिर राशिद की तरफ लौटते हैं, राघवेंद्र आपके पास आएंगे। जिस तरीके से खबरें आप लोग हम लोग यहाँ से देखते हैं, लेकिन आप लोग बस आप उस शहर में हैं जहाँ से आपके आसपास मिसाइलें गुजर रही हैं, फाइटर प्लेन जा रहे हैं, धुआं उठ रहा है, तो रोजमर्रा की जिंदगी कैसी है ये बताइए, ये थोड़ा समझाइए सर। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी, युवानो इतना शांत शहर है सर कि इसमें कुछ भी जैसे भगदड़ या हो हल हल्ला नहीं मचता है, लेकिन आज सुबह से उठते के साथ धुएं का अंबार एक देखने को मिला। जैसे कि जो फ्लाइट, जैसे रघुवेंद्र भाई ने बताया कि यहाँ पे अटैक हो गया एयरपोर्ट के साइड में, तो उसके बाद से एक ऐसा भय का माहौल यहाँ पे ये बन गया कि हर तरफ से लोग, कोई राशन के लिए कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अरेंजमेंट कर रहा है, कैसे मतलब जिंदगी जीने, मतलब जिंदा रहने के लिए वो अपनी कैसे अपनी जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं वो कर रहे हैं, और सारे स्टूडेंट हैं, इनको कोई भी मदद नहीं मिल रहा है। तो हम अभी जैसे आप देख सकते हैं कि हम ग्रुप में हैं, तो हम ऐसे ऐसे ग्रुप में रह रहे हैं कि जो भी होगा एक दूसरे से कॉन्टेक्ट बना के रहेंगे, क्योंकि अभी जो भी है हमारी फैमिली यही है, क्योंकि हम तो इतने दूर हैं, हमारी एम्बेसी भी कुछ अभी हेल्प नहीं कर पा रही है, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट भी कोई चीज अप्लाई नहीं की। रविंद्र भाई ने बताया कि 14 फरवरी को जैसे जेलेंस्की जी का बयान आता है, तो उस वक्त तक हमारी इंडियन एम्बेसी सो रही थी ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जब तक हमने प्रेशर नहीं डाला, शाम में हमने फिर ट्विटर पे उनको, जैसे ही जेलेंस्की जी का ये मिला हम लोग को नोटिफिकेशन, फिर हमने ट्विटर पे उनको टैग किया, कॉल किए एम्बेसी को, तब उन्होंने सुबह में 7:15 को नोटिफिकेशन फर्स्ट एडवाइजरी जारी की कि आप अगर चाहते हैं तो जा सकते हैं। बट ये सीन है, हमारी यूनिवर्सिटी हमें ऑनलाइन जाने ही नहीं दे रही थी, तो यहाँ एक्सपल्शन का ये रहता है कि अगर आपकी एक भी NB रही, एक भी आपकी एब्सेंस रही, तो आप एक्सपेल हो सकते हैं और पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी छात्र इवानो फ्रैंकविस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का नहीं गया उस एडवाइजरी पे। और अभी हालात ऐसे हो गए कि भयावह इतने कि हम लोग बता नहीं सकते, मतलब वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता सर। राशिद आप एक चीज मुझे बताइए, लोग हम लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग अभी कहाँ पे हैं, और आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ कितने सुरक्षित हैं, और वहाँ पे अभी कैसे आप लोगों का खाना पीना कैसे चल रहा है, और किस तरीके से इसके बाद लोकल प्रशासन या लोकल गवर्नमेंट या जो फिर यूनिवर्सिटी है किस तरह से आपकी मदद कर पा रही है? सर अभी हम लोग इवानो फ्रैंकविस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हैं, तो इस हॉस्टल में करीब 300 छात्र हैं टोटल, तो हम लोग एक ग्रुप में रह रहे हैं। अभी जैसे जिनका भी 10 लोगों का 15 लोगों का ग्रुप हो रहा है, वैसे अरेंज करके रह रहे हैं कि एक जगह ही खाना खाएंगे सबको ही, मतलब थोड़ा सा बना के मैनेजमेंट करके चलेंगे, क्योंकि बाहर राशन भी नहीं मिल रहा है, जैसे राशन खत्म हो चुका है सारे सुपरमार्केट्स में, और हम कैश की भी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो नहीं रहे हैं जितने भी हैं, और सारे बच्चे इंडियंस बच्चे जितने भी फॉरेनर्स हैं जो सब कार्ड ही स्वाइप करते हैं, तो यहाँ पे साइबर अटैक भी हुआ था, तो उसके चक्कर में भी सारा चीज बंद है सर। और जैसे जो ATM है वो फॉरेन कार्ड्स अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जी। आपको क्या लोकल प्रशासन से इसके अलावा कोई मदद मिल पा रही है, या इंडियन एम्बेसी की बात करें, या कोई मैसेज आ रहा है बिहार से इस तरह का कोई मैसेज आपके पास आ रहा है? नहीं सर अभी तक मैं अपने यहाँ गोपालगंज से मैं हूँ, गोपालगंज बिहार से, तो उनको मैंने अपने सांसद साहब को भी चिट्ठी लिखी थी 19 फरवरी को,
और जो डीएम साहब है हमारे उनको भी लिखी थी मैंने चिट्ठी, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया था। और अभी जस्ट 2 मिनट पहले बिहार सरकार का एक गैजेट आया है जिसमें कहा गया कि हम कांटेक्ट में हैं। तो सर अभी तक जो सारे मुख्यमंत्री एक थे एक्टिव थे इतने मोड में, एक्टिव मोड में थे, लेकिन हमारी नीतीश कुमार जो है वो सो रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। क्या पता क्या ही सोचते हैं हम, बच्चों को मतलब लेबर लेबर बनाइए पंजाब भेजिए, बच्चों को बाहर भेजिए, कोई जरूरत ही नहीं है बुलाने की। आप जितने चिंतित हैं आपकी पेरेंट्स उससे ज्यादा चिंतित हैं, और कहीं ना कहीं ये एक सवाल आपके मन में भी होगा, उनके मन में भी है, तो किस तरीके से बातें होती है? जी सर, मेरा नाम दिलशाद इमाम और मैं बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। तो जो सर आपने क्वेश्चन किया कि जो घर से फोन आ रही है, मेरे मॉम डैड काफी सहमे हुए हैं, काफी डरे हुए हैं, अम्मी फोन कर रही हैं, वो रो रही हैं, मैंने उन्हें कितना समझाया कि अम्मी जिस रीजन में अभी हम लोग हैं उनको मैंने अभी ये चीज नहीं बता रखा कि अटैक हुआ, अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो और ज्यादा डर जाएंगी। लेकिन मैं ये न्यूज चैनल पे अभी मैं ये चीज बता रहा हूँ, मैंने अपने अब्बू को भाईजान को ये चीजें बता रखी हैं ताकि वो आगे मेरे लिए कुछ बात करें, अपने जो भी आला दर्जे के अफसर हैं उनसे बात करें और मुझे यहाँ से निकालें, क्योंकि यहाँ की माहौल बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ की जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहाँ पे भी अटैक हो चुका है, और जो यहाँ की कीप की इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से भी वहाँ पे भी अटैक हो चुका है। तो यहाँ से हमें निकलने की अब कोई, हम खुद से निकल नहीं सकते, यहाँ से हमें खुद से निकलने की कोई सुविधा नहीं है। तो बस हमारी यही मांग है सरकार से कि हमें जिस भी तरह से करके दूसरे देश के जरिए जो नजदीकी यहाँ के पोलैंड बॉर्डर है उस देश के थ्रू हमें एयरलिफ्ट कराया जाए और हमें यहाँ से निकाला जाए, हमें अपने स्वदेश कुशल मंगल पहुंचाया जाए। सर जी बिल्कुल, राघवेंद्र एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, चूंकि कीप इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से सभी चार्टर्ड फ्लाइट और बाकी फ्लाइट आती है, तो आप जिस आप जहाँ पे है वहां से, वहां पे पास में कौन सा एयरपोर्ट है, क्या वहां से भी इंटरनेशनल फ्लाइट मूव करती है? नहीं सर, यहाँ से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट मूव नहीं करती है, यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट मूव करती है। तो कीव कितना दूर है कीव यहाँ से? मेरे यहाँ से कीव की दूरी लगभग 600-700 किलोमीटर है। बिल्कुल, तो एक एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है, और जैसा कि शायद आप लोग खबरों के माध्यम से देखते होंगे फ्लाइट्स लगातार आ रही है, सरकार फ्लाइट्स को भेज रही है, इंडिया की फ्लाइट्स और दूसरी फ्लाइट्स जा रही हैं और वहां से फंसे स्टूडेंट्स धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, लेकिन हालात उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी बिगड़ जाएंगे, लेकिन आज सुबह से जिस तरह की खबरें आई तो वो खबरें शायद आप लोगों के लिए डराने वाली, या आपके खिड़की के बाहर जो जेट फ्लाइट्स या दूसरी फ्लाइट्स हो या जो भी आप देख रहे होंगे आवाजें फ्लाइट्स की या जो भी प्लेन गुजरता होगा या जो भी धुआं वहां से दिखता होगा या आप दूसरों के माध्यम से देखते होंगे या सुनते होंगे कि यहाँ पे हमला हुआ है, यहाँ पे इतनी मौतें हुई हैं, तो एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और आज आपने जैसा बताया कि नीतीश कुमार ने थोड़ा सा आपको मिला, एक पेपर मिला है उसमें लिखा हुआ है कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है। देखिए इंटरनेशनल मूवमेंट ऐसा होता है कि वहां पे हम लोग यहाँ से कोशिश, हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं, सरकार पहुंच नहीं सकती है, लेकिन कोशिश जरूर करती है और वो कोशिश कामयाब भी होती है। इससे पहले भी हमने देखा कई लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, आपने अफगानिस्तान का एग्जाम्पल वहां पे आपको आपने देखा होगा, तो जिस तरीके से लगातार सरकार कोशिश कर रही है वो कोशिश आप लोग जल्द ही भारत में होंगे और बिहार की धरती पे आप लोग होंगे। लेकिन विदा लेने से पहले मेरे कुछ सवाल और बच गए हैं, आप लोग कितने लोग बिहार से हैं वहां पे? सर बिहार से अप्रोक्स 4,000-5,000 छात्र पूरे यूक्रेन में होंगे, और मेरे यूनिवर्सिटी में इवानो फ्रांकिस में अप्रोक्स 50 से ऊपर ही स्टूडेंट बिहार के होंगे। बिल्कुल, मेरे यूनिवर्सिटी में खुद। राघवन चलते चलते एक छोटा सा मैसेज अपने पेरेंट्स को दीजिए और बताइए कि कैसे आप लोग वहां पे अभी क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या कहना चाहते हैं उनको। अपने पेरेंट्स से तो हमें यही कहना चाहेंगे कि आप लोग धैर्य बनाए रखें और पॉजिटिव वे मिले, ऐसे अभी हम लोग सेफ हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, और हम लोग हॉस्टल के अंदर हैं तो अभी तक सेफ हैं, क्योंकि यहाँ हॉस्टल के अंदर हम सारे इंडियन एक साथ रह रहे हैं तो कोई दिक्कत हमें नहीं हो रही है अभी। लेकिन हम भारत सरकार से यही कहना चाहेंगे
कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से एयरलिफ्ट कर ले, क्योंकि अब जैसे कोई भी प्लेन ऊपर जा रही है तो हम लोग को यही लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि रसिया फिर से अटैक के मूड में आ गया और कहीं फिर से मिसाइल कहीं अटैक ना कर दे। यही हमारे भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हम लोग को एयरलिफ्ट कर लिया जाए। यहाँ एक मिनट एक दिन के बराबर अब लगने लगा है आज से। बिल्कुल राशिद, आपका कोई संदेश है सरकार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए? सर, सरकार से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकाल लें, क्योंकि अभी जैसे पोलैंड के भी जो बॉर्डर्स हमारे सबसे नज़दीक हैं, तो अगर अरेंजमेंट हो सकती है पोलैंड से तो करें, क्योंकि यहाँ पे कभी भी अटैक हो सकता है। जैसे कि अभी आपने सर बताया कि अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन हुआ था, तो अभी गवर्नमेंट का ऐसा था कि सर इवैक्यूएशन के नाम पे 3 फ्लाइट्स एयर इंडिया की अरेंज हुई थी 22, 24, 26 की, तो 22 वाली एक फ्लाइट जा चुकी है, 24 की आज की फ्लाइट आने वाली थी लेकिन वो भी रिटर्न हो गई, और उसको इवैक्यूएशन के नाम पे सर 60,000 रुपीज लिए जा रहे थे इंडियन, जो कि यहाँ से नॉर्मल अभी जाने में 20,000 रुपए के आसपास में किराया होता है सिंगल वे का। तो अभी सर वो अगर गवर्नमेंट चाहती सबको बुलाना तो एक नॉर्मल फेयर रखती और फ्लाइट्स का जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ा देती सर, तो 2-3 लोग भी निकल जाते, 2-3 दिन में बच्चे निकल जाते यहाँ से सर। लेकिन फ्लाइट्स की इतनी ये थी, और मैंने परसों मैं फ्लाइट देख रहा था कि देखूं क्या करूं, तो मैंने टर्किस की बुक की थी सर, लेकिन टर्किस से ऐसा सीन हुआ कि टर्की का वीजा इंडियंस को नहीं मिल पा रहा है, तो हमें फ्लाइट्स वो भी कैंसिल करनी पड़ी, और वो उसमें हमारे 35,000 रुपए के आसपास में हमारे चले गए, वो खत्म हो गए, बिल्कुल हमें रिफंड नहीं मिला, वो नॉन रिफंडेबल था सर। तो अभी सर गुजारिश है सरकार से कि बस हमें इवैक्यूएट किया जाए यहाँ से, और हमें जल्द से जल्द अपने स्वदेश अपने माँ बाप के पास लेके जाया जाए, क्योंकि माँ बाप रोते रोते फोन कर रहे हैं, क्योंकि किसी के भी औलाद के साथ ऐसा हो जाए, अगर औलाद खो जाए तो समझ रहे हैं सर कितना दुख की बात है वो। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि लगातार आपको यूक्रेन और रसिया में जिस तरह से एक युद्ध की स्थिति, न कहें युद्ध छिड़ गया है, और जिस तरीके से लगातार बच्चे फंसे हुए हैं यूक्रेन में, वहां पे हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं, बिहार से अकेले 5,000 से 6,000 छात्र, जैसा कि राघवेंद्र और राशिद बता रहे थे, और जिस तरीके से एक यूनिवर्सिटी में फंसे हुए, वहां भी बिहार के छात्रों की काफी ज्यादा तादाद है, सिर्फ बिहार के ही नहीं कई दूसरे प्रदेशों को भी छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे में लगातार मोदी सरकार और नीतीश कुमार लगातार आज से एक्टिव कहीं ना कहीं हुई है नीतीश कुमार सरकार, और इन लोगों के पास मैसेज पहुंच चुका है, और ऐसे में उम्मीद रखिए कि सरकार आप लोगों को वहां से इवैक्यूएट करेगी, और इस उम्मीद के साथ हमारा इस बातचीत का सिलसिला खत्म होता है। फिलहाल आपसे लगातार हम लोग बातचीत करते रहेंगे और वो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे कि फिलहाल क्या स्थिति है। जी सर, धन्यवाद।